हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रेसिपी, और वो है मैंगो कुल्फ़ी। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे ये इंग्रेडिएंट्स। पहली चीज़ है हमें जो चाहिए वो है मैंगो। एक मैंगो को आप ऐसे पीसेस में काट लें। एक कटोरी मलाई, 6 पैकेट मिल्क पाउडर, 1 कप दूध और कुछ बादाम। बादाम को मैंने ऐसे तोड़ लिया है। अब मैंने यहाँ पर मैंगो लिए हैं, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली है। उसमें हम दूध ऐड कर देंगे, इसी में हम मलाई भी ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा जो सूखा दूध है, मिल्क पाउडर। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। थोड़ा सा दूध जो हमने बचा के रखा था उसको मैं यहाँ पर कटोरी में ले रही हूँ, और हल्का सा हम इसमें फूड कलर डाल रहे हैं। आप उसका ऐसे एक मिक्सचर बना लीजिए। अब जो आपका बैटर है उसको आप एक यूटेंसिल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर उसे गार्निश कर लीजिए। मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन बना लिया है उस फूड कलर से। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं या कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में 6 से 7 घंटे के लिए। इसको हम ढक देंगे। अब हम इसे फ्रीज़र से निकाल लेंगे 6 से 7 घंटे के बाद। ये देखिए, ये हमारी कुल्फ़ी रेडी हो गई है। थोड़ी देर आप इसे बाहर निकाल कर रखिए, ताकि आप इसको इजीली कट कर पाएँ। इसमें आपको कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं लगे जो आपको बाहर से लाने पड़े या फिर जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं है। सब कुछ आपके घर में अवेलेबल है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe the channel.